आज संबलपुर ये गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय कन्वेंशन हॉल रे ओडिशा सरकार तरफ आयोजित पीएम किसान सहायता निधि आर्थिक वर्ष 24-25 प्रथम किस्तीर वितरण तथा गुड़िए किसान हितैषी योजनार लोकार्पण शुभ अवसर रे मंच रे उपस्थित थिबा ओडिशार नवनिर्वाचित सरकार नुआ नेतृत्व नुआ मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण माझी महाशय एटी उपस्थित थिबा कॉन्फ्रेंस माध्यम रे आम संगे जोड़ी है कि उपस्थित थिबा ओडिशार सम्माननीय उपमुख्यमंत्री कृषि तथा शक्ति विभाग मंत्री आदरणीय कनक वर्धन सिंहदेव महाशय एठी मंच रे आम संगे उपस्थित थिबा ओडिशा सरकार राजस्व तथा विपर्य परिचालना विभाग मंत्री आदरणीय सुरेश पुजारी महाशय मंच रे उपस्थित थिबा आम समस्त प्रिय नेता ओडिशार पूर्वतन मंत्री आदरणीय जयनारायण मिश्र स्थानीय विधायक मंच रे उपस्थित थिबा पड़ोसी जिला छेंडीपदार विधायक आदरणीय अगस्ती बेहरा महाशय एठी उपस्थित तथा ओडिशार 314 ब्लॉक 30 जिल्ला रे उपस्थित थिबा समस्त परम आदरणीय लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य विधायक बंधु माने तथा विभिन्न जनप्रतिनिधि बंधु माने ओडिशार मुख्य शासन सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी वृंद तथा एठी मंच रे उपस्थित थिबा ओडिशा सरकार कृषि तथा कृषक कल्याण विभाग सचिव आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार पाड़ी महाशय आमर आरडीसी आदरणीय सचिन यादव महाशय आम संबलपुर जिलापाल आदरणीय सिद्धेश्वर बंदर महाशय तथा ये सभागार उपस्थित थिबा समस्त कृषक भाई भौनी माने गुरुजन माने समाज जीवन रो वरिष्ठ नागरिक गण तथा सांबादिक बंधु माने आज पवित्र नुआखाई अवसर रे मु संबलपुर लोकसभा सदस्य भावे मु माननीय मुख्यमंत्री तथा तांक सरकार समस्त वरिष्ठ मंत्री अधिकारी बंधु मानकु संबलपुर तरफ कृतज्ञता जनाउछ मुटी जो लोकसभा लड़ुली से गोटे कथा कहती सांबादिक बंधु माने मत तार गोटे प्रश्न पचार मुझी जो आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी सरकार हम आमे शासन संबलपुर चलेबू मु कृतज्ञता यही मुख्यमंत्री को देवी केवल संबलपुर नुहे शासन चलब केन्दुझर रु शासन चलब मलकानगिरी शासन चलब बरगढ़ रु शासन चलुची बलांगीर रु इटी उपमुख्यमंत्री महाशय गोटे जगार बलांगीर बस जे उपमुख्यमंत्री भौणी प्रभाती पड़ा पुरी रे बस अनेक मंत्री करण करिबा अमर लक्ष्य से लक्ष्य को आज आउ एक पद आगे नहीं माननीय मुख्यमंत्री नुआ खाई भेटघाट अवसर रे संबलपुर को आसिक प्रथम माँ समलेश्वरी आशीर्वाद नहीं कि नवान्न प्रसाद ग्रहण करशार कृषक कल्याण एक अनन्य कार्यक्रम ने आपण मान भितर कि समय बीतवापी मु धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री को सी ये सुरेश बाबू कहते जे मुख्यमंत्री हृदयंगम करे ना ना मु हृदयंगम करेश बाबूर आवेग को सम्मान करुच्छी किंतु सुरेश बाबू माननीय मुख्यमंत्री न चाहते विभाग जल संपद विभाग मंत्री निजे माननीय मुख्यमंत्री मु पुणी आउ थे संबलपुर प्रतिनिधि भाव अंतर कृतज्ञता जनईमी हीराकुद एक जातीय प्रतीक आज आम अंचल ओडिशार परिचय पांचटी परिचय भितर हीराकुद ड्याम ता भितर 6 दशक पर मुझे रखुच्छी
ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ସଭାଠୁ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଥିବେ। ଛଅ ଦଶକ ପରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଶହେ ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆୟକଟ ଏରିଆରେ, କମାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଖାପାଖି ସୁରେଶ ବାବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିକି ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଇଏ ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ 900 କୋଟି। ମୋର ଅନୁମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହୃଦୟ ହେବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦରଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷକୁ ଆହୁରି ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହୋଇଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟତମ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ବରଗଡ଼ ହୋଇଛି, ସମ୍ବଲପୁର ହୋଇଛି, ସୋନପୁର ହୋଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ହୋଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ହୋଇଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ହୋଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। କେବଳ ଆପଣ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର, ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କହୁଛି, ବିତର୍କକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ କେଉଁ ସରକାର ପ୍ରଥମ 100 ଦିନରେ ମୃତଙ୍ଗର କାହାଣୀ କେତେ ଦିନରୁ ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଳସେଚନ ମାଡ଼ିବା ହେବା ପାଇଁ ମୃତଙ୍ଗ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଲୋକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଖି ଉଠେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା ମାନେ? ତାର ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏଇଠୁ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମୃତଙ୍ଗ ଯୋଜନାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ପଠାଇଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ, ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ। ମୋତେ ତ କେବେ କେବେ ଲାଗୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାଆର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ, କହିଥିଲୁ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦିଅ, ମୋଦି କଥା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେବ। ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ 4 ଜୁନ ପରେ 8 ଜୁନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ। 8 ନାହିଁ 12 ଜୁନ ହେଲା, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସୁରେଶ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ହେଲା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ? ଦୁଇଟି କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଦୁଇଟି କଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଏହି ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ନା ସୁଧ ରହିବ ନା ତାକୁ ଋଣ ନାଁରେ ଜଣାଯିବ, ଅନୁଦାନ ରହିବ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଶୁଣୁଥିଲି ମୈଥିଳୀ ଭୋଇ ଭଉଣୀକୁ, ଏ ତ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 2,000 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଲା, ଯେଉଁଦିନ ତା ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଯିବ, ସେ ଭଉଣୀ ତାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷକୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଲୋକ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ ଲୋକର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ବିଧାୟକ ହୋଇକି ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରେ
कौ योजनार आकार एक कोटी कुपुर को छुईनि कौ योजनार आकार एक कोटी कुपुर को छुईनि मोहन माझी सरकार योजना सुभद्रा ना एक कोटी ऊपर को जी प्रथम थर कर महिला वार्षिक 10,000 टंका मिल दुई किस्ती रे पांच वर्ष 50,000 टंका मिल एडी डॉक्टर पाढ़ी भलिया कृषि विशारद माने अछंती मु तांकु केबे प्रशासक भावे देखी नै कृषि विशारद एई पई कहूँ ग्रामांचल अर्थनीति रे बड़ बड़ अर्थशास्त्री मानकर समीक्षा हला जदि टंका टिए गरीब लोक को खर्च पई दिया जिवो सीए जे ताकु पॉकेट रखिबनी ताकु आकु बढ़ेबो आउ थरे खर्च करिवो से आउ कहा पॉकेट को जिवो टंकाटा 5 टंकार व्यवसाय करिवो ता माने ओडिशा रो भारतीय जनता पार्टी सरकार मोहन माझी नेतृत्व में चलुवा सरकार रो 50,000 कोटी टंकार जो दायित्व एक कोटी रु अधिक भौणी मान को जीव सीए आगामी 5 वर्ष भितर 2.5 लाख कोटी टंकार सशक्तिकरण हिमालय तैयारी कर महानदी तैयारी कर किछु लोक मु बुझुच जो माने बरगढ़ रो सोहेरारे कहिके जाइतिले जे आम धान को क्विंटाल पिछा 100 टंका एमएसपी बढ़ेबू कहार कथा को कहीदे काम कर कथा सुन थिला मोहन माझी सरकार दायित्व नहीं ओडिशा रे क्विंटाल पिछा भारत सरकार मोदी सरकार देवे 2300 टंका पूरा पूरा केंद्र सरकार रे पैसा 2300 टंका क्विंटाल पिछा मोदी देवे मोहन माझी सरकार देव आउ 800 टंका मिसाइक 3100 टंकार क्विंटाल पिछा धान किणा जीव ओडिशा रे ना भूत ना भविष्य ईर्षा हवा स्वाभाविक 100 टंका कहिके मुह लुचाइथिला मोहन माझी वज्र शपथ 800 टंका देवे निज राजस्व रु राजस्व खर्च हेनी मौज मस्ती रे हेलिकॉप्टर बुलारे प्रचार रे खर्च हम चाषी पाई खर्च हम महिला पाई ईर्षा को बुझी पारुछ परश्री कात्रता को बुझी पारुछ कष्ट हेले हौ आपंग मन रे आमर तो प्रतिबद्धता ओडिशा रा गरीब लोक मुहरे हस फुटेबा ओडिशा रा चाषी मानक भितरे आत्मविश्वास तयारी करबा ओडिशा रा मां भूणी रो सम्मान बढ़ेबा ताकु सशक्तिकरण करबा एटा डबल इंजन सरकार प्रतिबद्धता एटा नरेंद्र मोदी प्रतिबद्धता तांकर हनुमान भावे आज पुणी हनुमान कहि थरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कहितले टाही टापरा हेतिला आज मु कहूछि हनुमान भावे नरेंद्र मोदी गरीब कल्याणकारी योजना आमर प्रतिबद्धता भारत महिला मानक पाखरे अछि आमर प्रतिबद्धता भारत युवक मानक पाखरे अछि आमर प्रतिबद्धता भारत चाषी मानक पाखरे अछि आमर प्रतिबद्धता भारत वंचित वर्ग मानक पाखरे अछि अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ वर्ग लोक मानक पाखरे अछि याको ओडिशा रे डबल इंजन सरकार पूरा करिवो आज सेई श्रेणी रे पाखापाखि 46 लाख चाषी को 46 लाख चाषी को 1,000 कोटी टंका पाखापाखि 950 कोटी टंका रु अधिका आज अनुदान दिया जिवो ओडिशा सरकार अधिकारी मानक मुख्यमंत्री दायित्व देइछंती प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान और सीएम किसान को गोटे तुल्य करने अधिकारी बंधु माने अभिनव उपाय बाहर करिवे तार संशोधन करिवे तार व्याप्ति करिवे आमर लक्ष्य सशक्तिकरण गरीब घर को पैसा गले आज 1 कोटी जनधन खाता ओडिशा रे खुली प्रश्न उठा जाउची जे सुभद्रा रे 10,000 टंका देले कौन हबो मु गोटे उदाहरण देली भात हांडी रु गोटे भात चिपुड़िले 2,000 टंका पाई जदि मैथिली आत्मविश्वास हिमालय छुईला आकु कौन हम देख के ईर्षा कर आखिर लुह सरीज ओडिशार माँ माने जागी उठिबे मु आउ थरे मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल सदस्य मानक प्रशासनिक बंधु मानक संबलपुर जनप्रतिनिधि आम कृतज्ञता जनाऊँ शेष गोटे कथा कही जाऊँ ये आम जयदा और मुझे निर्वाचन लड़ुलु जयदा कही मुझे सहमत थी जे आम संबलपुर स्त्री वृद्धि करने काम लगे पुणी मुख्यमंत्री को आज मंच में कृतज्ञता जनाऊँ अंचल जनप्रतिनिधि भाव मुझे गोटे चिठी लिखी थी जे आम महानदी रे पानी
संबलपुर अंचल भरपूर रहिले ए अंचल श्री वृद्धि हम गोटे रिवर फ्रंट योजना अयोध्या सगर जो बंद अच्छी ताकू टे बढ़े कि चारपुर ब्रिज पाखे गोटे आनिकट करी हीराकूद डैम तलु ब्रिज पर्यंत पानी रहू पानी रहिले संबलपुर अंचल श्री वृद्धि हम गोटे रिवर फ्रंट योजना प्रथम बजेट रे श्री माझी तांका प्रथम बजेट रे याकु स्थान दे कारण मु संबलपुर नागरिक मान तरफ कृतज्ञता जनाऊँ आज जितेबाला आम आसुलु सर्किट हाउस रु मंदिर आसुलु माँ का पाक आसुलु निजे श्री माझी मुख्यमंत्री महाशय आमको पचारे कौ जगार प्रकल्प हम तुम जयदा अयोध्या सगर पाखे गाड़ी ओह्ल बतैले कल्पनाटा कौन हम पुणि थे कृतज्ञता जनईकि संबलपुर ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम को ओडिशार चाषी मानक समर्पित कर पवित्र नुआखाई दिन समर्पित कर अभुला स्मृति आम मन भितर लंबा समय रहू पुणी आउ थे समस्त को अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद जय मा समलेई जय जगन्नाथ। केवल गोटे छोट स्पष्टीकरण मोते मोर भावना र केवल विषय नुह बोधे माननीय शिक्षा मंत्री ताकि मिसअंडरस्टुड कले मु लंबा समय कहार सुजोग नथिला इठी मुख्यमंत्री 900 कोटी पखापाखि हीराकूद बंध केनाल योजनार नवीकरण फल जो बहुमुखी लाभ आमको मिलला मु सेटा उल्लेख कली हूँ तो लाभ केते लाभ हम आमको देव से बाबद निश्चय मुख्यमंत्री निष्पत्ति करे तांको बहुत बहुत धन्यवाद कैबिनेट रे धन्यवाद देछि कितु मोर कहार उद्देश्य थिला जे केते आमे लाभान्वित हेलु तार आकलन केही करि नथिबे जेते केवल गुटे जिनस मु माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य जणया पई चाहे जे 100% जो जलसेचन होउतला आजिकालि सेटा 60% रु 65% जलसेचन होउची एठी जेते सिलिंग सरप्लस लागू हला से समय से अंचल सब द्विफसली अंचल थिला द्विफसली अंचल थिबार फलरे जो मानक 10 स्टैंडर्ड एकर रु अधिक थिला सब सरकार नहीं गले आवंटन करने पा न पहुँचा फल एक फसली ही गला बिना पानी रे जलकर दौंट 10 एकर जोटा अधिक मिलबार थिला सिलिंग सरप्लस पलिगला एवं जो कार्य होगा जाऊँगी 5 वर्ष आम टार्गेट रखीचु 5 वर्ष पर केनाल शेष जगह को पानी पहुँच बिना पानी रे जो मैंने जलकर दौले से मैंने पानी नहींक्र जलकर देवे एवं जोटा 10 एकर जमी मिली 2 फसली बोलिकी 20 मिलबार आवश्यकता थिला एबे मते लागुची 2 फसली हला परे से माने सिलिंग सरप्लस लेंटा जो देथिले तार मध्य क्षति अनुभव करिवे नै। धन्यवाद माननीय संयुक्त पुजारी आशा करू छी आपनकर ए योजना निश्चित भाबरे चासी मानको आहुरी अधिक सफल होबार खोराक जोगैबो। धन्यवाद माननीय केन्द्र शिक्षा मंत्री महोदय आपणकर ओडिया प्रेम ओडिशा प्रेम जो आपण आम समस्त चिरनमस्य बंधुगण से शुभ समय उपस्थित जितेबले आज शुभ अवसर में आम सीएम किसान सहायतार शुभारंभ करूँ अनुरोध करी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय केन्द्र शिक्षामंत्री महोदय को माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय को माननीय मंत्री राजस्व एवं विपर्य परिचालना महोदय को रिमोट्र बटन चिपी शुभारंभ करिबे सीएम किसान पोर्टल रो 46 लाख क्षुद्र नाममात्र भूमिहीन कृषक प्रतीक्षा करिवार आवश्यकता नहीं ये अवसर में आम कृषक ओडिशा यूनिफाइड पोर्टल आरंभ करुछु अनुरोध करी।